हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त के एक और बड़ी खबर। रोहतक से बड़ी खबर, जहां पर छात्रों को सजा की बात पर स्कूल के छात्रों ने सुडाना गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है, जहां पर छात्रों को बॉल मारने पर डीपी ने छात्रों को दी थी सजा। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। रोहतक की घटना, छात्रों को सजा देना डीपी को यहां पर भारी पड़ गया है। स्कूल के छात्रों ने डीपी के साथ मारपीट की है और इस मामले में पुलिस ने भी आगे कार्रवाई की है। इन छात्रों के साथ बॉल मारने पर डीपी ने उनको सजा दी थी और इन छात्रों ने उल्टा डीपी के साथ ही मारपीट कर डाली। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। और इस खबर पर हमारे साथ हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, यहां डीपी ने छात्रों को सजा दी क्योंकि उन्होंने बॉल मारी थी, और ऐसे में अगर छात्रों द्वारा डीपी के साथ भी मारपीट की गई है तो बेहद संवेदनशील ये मामला है, आगे इसमें क्या कार्रवाई? देखिए नंदनी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये रोहतक के सुडाना गांव के सरकारी स्कूल का मामला है, जहां पर जो है एक डीपी को जो है छात्रों को सजा देना इतना महंगा पड़ा कि उन छात्रों ने उसे सुबह आकर के जो है इतनी बुरी तरीके से धोना कि वो बुरी तरीके से घायल हो गया। हालांकि इस मामले को लेकर डीपी ने जो है पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज कराई है। अभी पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में शिकायत मिल गई है और आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला ये था कि एक लड़की को जो है ग्राउंड के अंदर गेंद मारी गई थी छात्रों द्वारा, उसकी शिकायत उसने डीपी को की और डीपी ने उनको जो है इसकी सजा दी थी, उसी से ये छात्र खपाते और लगभग करीब आज सुबह 9 बजे के करीब 20 से 25 छात्र जो है इकट्ठा होकर के सरकारी स्कूल में, और आते के साथ ही उन्होंने जो है डीपी की बुरी तरीके से पिटाई की। और वहीं दूसरी ओर जो छात्रा है उसका ये आरोप है कि देर शाम ये आरोपी छात्र जो है उसके घर पर पहुंचे और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। जी नंदनी, जी बिल्कुल हर्षवर्धन, तो आगे पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, क्या अभी सिर्फ मामला दर्ज किया गया है? देखिए अभी पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि उन्हें इस मामले को लेकर के जो है शिकायत मिली है और डीपी ने शिकायत दी है। हालांकि अभी छात्रा की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है क्योंकि छात्रा जो है इस मामले के बाद जो है काफी सहमी हुई है। हालांकि उसने मीडिया के कैमरे के सामने जरूर उसने अपनी जो दास्ता है वो बयान की है कि वो काफी जो है इस मामले को लेकर डरी हुई है और आरोपी छात्र जो है उसे बार बार धमकी दे रहे हैं। जी जी हर्षवर्धन, इन सभी छात्रों की उम्र क्या है जो जिन्होंने डीपी के साथ भी मारपीट करी है? देखिए जितने भी छात्र हैं लगभग 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हैं और ज्यादातर छात्र जो है वो स्कूल से ही संबंधित है। इसके अलावा कुछ अन्य छात्र हैं जो बाहर के हैं जो इन छात्रों के साथ आए थे और इन्होंने आकर के जो है डीपी को जो है सुबह आते ही स्कूल के अंदर एकदम अचानक ये घुसे और जो बेल बजाने वाला जो हथौड़ा होता है उस हथौड़े से जो है डीपी के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जिससे डीपी बुरी तरीके से घायल हुआ। जी जी चलिए शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए छात्रों को सजा दी लेकिन डीपी के साथ ही उसके बाद मारपीट की गई। इन छात्रों के हौसले इस कदर बुलंद कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर ही इन्होंने हमला कर दिया।